परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमान को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में बहुत दिनों बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें टेस्ट में। ठीक है, तो हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की। तो दोस्तों यार, मॉक टेस्ट क्या नीट में भी क्या होता है? मतलब अभी इस बार भी नीट में मतलब बहुत लोगों से बात हुई मेरी, तो क्या ज़्यादातर लोगों की यही समस्या होती है कि क्या बोलते हैं कि यार भैया हमारा पेपर छूट गया, OMR भरना रह गया, और मतलब टाइम कम पड़ गया, यही बस रहता सब में यार। तो मेन चीज़ यही है कि यार टाइम मैनेज कैसे करना अपने को। ठीक है, तो टाइम मैनेज सीखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इस टाइम पे है ना, और वो भी मॉक टेस्ट में है ना। तो वही बताने वाला हूँ कि को मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मेरी एक स्ट्रेटजी वो बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। आप एक बार केवल जो मैं बताने वाला हूँ उसको एक बार मतलब एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, आप जरूर इस मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इससे भाई जरूर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, आप जैसी भी स्ट्रेटजी करते हो ठीक है, आप बाद में कर लेना एक बार, यदि ट्राई करना सिर्फ। ठीक है, आपके बिल्कुल मार्क्स इंक्रीज होंगे, बिल्कुल इंक्रीज होंगे। ठीक है, मतलब इस स्ट्रेटजी से आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, टाइम भी बच जाएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है 3 राउंड में। ठीक है, 3 राउंड में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार हमारा 1 राउंड ही नहीं पूरा होता, आप 3 राउंड बात कर रहे कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो 3 राउंड देखो मैं बताता हूँ। मैंने जैसे फिजिक्स वाला पे पढ़ाई की थी, ठीक है, तो फिजिक्स वाला पे यकीन हिंदी मीडियम बेस्ट था, उसमें एक सर अपने सर थे विजय शर्मा सर, VS सर से नाम से जाते हैं। तो उनने बताई थी स्ट्रेटजी, और उसमें कुछ मैंने कुछ ऐड करके मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी। तो ठीक है, 3 राउंड में अपने को टेस्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 3 राउंड में। ठीक है, तो 3 राउंड कौन कौन से? एक इजी राउंड, एक सिलेक्शन राउंड एंड एक बोनस राउंड। ठीक है, वो तो मैंने नाम दे दिए ऐसे, बाकी बता दो क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जैसे अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट हो, आपको क्या करना है? तो मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, सबके अलग अलग चॉइस हो सकती है, लेकिन यार मैं सजेस्ट यही करूँगा आपको कि बायो अटेम्प्ट करो सबसे पहले। इससे क्या होगा यार, बायो ज़्यादा लोगों की स्ट्रांग होती है, और बायो से करने से भाई मतलब अच्छा खासा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, उसे अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, बायो हो जाती है ना फिर अलग ही कि यार हाँ यार मतलब आधी आधा पेपर हो गया मेरा, मतलब कोई दिक्कत। और यदि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने जाऊँगा ना, यदि यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बिगड़ गया तो पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा भाई, बायो से पहले अटैम्प्ट करो। ठीक है, तो क्या करना है फर्स्ट राउंड में? ठीक है, आपको बायो ईजी राउंड है। ठीक है, नाम से ही ईजी। ठीक है, जैसे अटैम्प्ट करो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, मतलब पेपर पूरा करना है, लेकिन देखते कि बारे आप लग जाता है यार ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, अपने को सिर्फ ऐसा क्वेश्चन मतलब करना है जो देखते कि बारी बन जाए। ठीक है, बायो में भी एक ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड में बन जाते हैं। ठीक है, तो बस जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं अपने से, जो देखते ही बाहर बन रहे हैं, हाँ जी मतलब एग्जाम्पल या जो भी आया है बन गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो पता तुमको कि बन जाएंगे, लेकिन जैसे असंसर्जन वाले क्वेश्चन, या फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन है तुम्हें पता बन जाएंगे, लेकिन उस पर कोई मार्किंग करनी। आप यदि ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो ना, तो ऐसे कोई मार्किंग कर दीजिए, और ऑनलाइन में तो रहते ही मतलब मार्किंग करने के लिए। ठीक है, तो उसमें मार्किंग के लिए 1 स्टार मान लीजिए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन क्या है, तो मतलब आउट ऑफ NCERT है, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब नीट में बाहर आता नहीं NCERT से मॉक टेस्ट कि बनेंगे नहीं, तो उसमें 3 मतलब 2 स्टार मान लीजिए, जो भी करना हो कि लास्ट राउंड में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में केवल इजी क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो लगे कि हाँ बन जाएंगे थोड़ा बट कठिन है, वो सेकेंड राउंड में करना है, उसमें मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, इससे मैं बोला भाई बहुत टाइम बचेगा आपका, मज़ा आएगा जुड़ने वाला, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा ना वो भी बन जाएंगे लास्ट में। ठीक है, जो लास्ट बोनस राउंड है उसमें भाई जो क्वेश्चन नहीं बनने वाले वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इजी राउंड में बस वही क्वेश्चन करना है, बायो से सेक्शन ए हुआ है, सेक्शन बी हुआ है, बस जो इजी इजी राउंड जो डायरेक्ट देखते के बारे में बन रहा है, जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनको टिक लगाना है, और पूरा बन जाएगा। ठीक है, और हाँ OMR ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक इस बार भी एक से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि बोले कि मेरी OMR पूरी रह मतलब आधी रह गई, बोले आखिर में मतलब मैंने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन वो OMR पर नहीं रह गई। तो भाई यही है कि OMR कब भरनी, ये भी बहुत मेन पॉइंट होता है। ठीक है, तो
जो ऑनलाइन दे रहे हैं वो भी OMR मेरे हिसाब से प्रिंट निकाल के लिए आएगा। जब भी आप टेस्ट दो ना, जब भी आप OMR प्रैक्टिस करा करो, है ना। सोचते हैं कि यार वो तो लास्ट टाइम कर लेंगे नीट में, लेकिन भाई दिक्कत देता है ना। तो आप प्रैक्टिस अभी भी ऑनलाइन कर रहे हो, तब भी आप मतलब OMR भरा करो, ठीक है, प्रिंट आउट कर लेने के बाद, ठीक है। तो OMR मैं सजेस्ट करूँगा भाई, OMR जो है वह जैसे ही बायोपुल कंप्लीट हो जाए पूरी अपनी इजी राउंड होने के बाद, वो जितने अपने क्वेश्चन हुए हैं ना वो पूरे भर लो एक बार, ठीक है, बायो पूरी कर लो। लास्ट के लिए OMR नहीं छोड़नी है, और ऐसा भी नहीं करना कि हर एक क्वेश्चन करो और OMR भरो, इसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। और जो जो बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन करो OMR भर लो, इसमें एक दिक्कत ये होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपना क्वेश्चन बाद में आ जाता है कि करते करते, हाँ ये मैंने साथ ऐसा कर दिया, तो वो उससे भी बच जाता है। और अपने एक दो क्वेश्चन, मैंने एक दो बार किया था ऐसा, तो वो ना एक दो क्वेश्चन में हमेशा गलत हो जाते हैं, बाद में आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन ये ऐसा मन कर दिया कि ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, तो वो अच्छा रहता। तो मैं ये बोला ना, पूरी बायो कर लीजिए, OMR भर दीजिए, ठीक है, इजी राउंड होगा। बायो कर लिया, मतलब OMR भर दिया अपने, बायो होने के बाद में फिर केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी अच्छा लगे आपको उस पर जाइए। मैं आता था केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री भर लीजिए, केमिस्ट्री OMR भरने के बाद में इजी राउंड, ठीक है। इजी में भी कैसे, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट क्वेश्चन है जो है वो बन रहे हैं, वो फिजिकल में भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल दी, या फिर जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक की, यार एक फॉर्मूला लूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, मोल का क्वेश्चन है, या फिर जो भी सॉल्यूशन का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन हम आ जाए, तो वो यदि आ रहे हैं तो डायरेक्ट कर लो। लेकिन जैसे पता है कि मुझसे बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, ये 2 मिनट जो भी आधा एक 2 मिनट ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो उसको अभी लगा कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो उस पर मार्किंग कीजिए कि मुझे सेकेंड राउंड करूँगा, ठीक है। तो इजी राउंड में पूरे जो आ रहे हैं वो कर लो, ठीक है, OMR भर लो। फिजिक्स में भी यही करना है, फिजिक्स में मतलब फिजिक्स में तो मतलब ज़्यादा टाइम ही लेते हैं, एग्जाम्पल वाले पूरे कर लो, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जो डायरेक्ट पता है कि अच्छे से आता है फॉर्मूला बेस में कर लूँगा, तो उनको फर्स्ट राउंड में कर लो। ये हो गया अपना इजी राउंड, लगभग 2 घंटे में हो जाएगा पूरा आपका। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, क्या इजी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। अब सेकेंड सिलेक्शन राउंड, इस राउंड में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस राउंड में जो अपने मार्किंग, जो स्टार मार्किंग की, जो कि हाँ मुझे आता है कर लूँगा, वो बायो से पहले कर लीजिए, है ना। और अब क्या करना है, OMR भरने के बाद में इस टाइम जो क्वेश्चन कर रहे हो उसी टाइम OMR भरना है, उस लास्ट क्लीन छोड़नी है, ठीक है। फर्स्ट में तो जो पूरा पढ़ने के बाद में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद कर ली OMR भर ली, अब जो क्वेश्चन करना है डायरेक्ट करो और OMR भरो, ठीक है। अब यही करना है कि सेकेंड राउंड में जो अपने मार्किंग की थी उनको करना है, जो पता आते थे लेकिन टाइम लेंगे उनको करना है, फिजिक्स मतलब बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। इससे भाई देखना, बोले बहुत अच्छा होता है, बट टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा लोग क्या करते पता है, कि एक ही राउंड में पूरा पेपर वही खत्म कर देते हैं, बायो चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लास्ट टाइम टाइम बचा है थोड़ा, 10-15 मिनट बचे और OMR भर दी भाई, उस टाइम बच जाता, कम बढ़ जाता है ना। तो ये नहीं करना है भाई, इसमें मजा आएगा, मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रेटजी मजा आएगा, मतलब थोड़े दिन एक दो बार दिक्कत देगी, बाकी तुम यदि प्रॉपर अपना लोगे ना इसको, तो भाई मजा आ जाएगा एकदम, पूरी टाइम पूरा यूज़ हो जाएगा तुम्हारा, पढ़ के तो यही करना आपको, ठीक है। तो सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में मैंने था, मैंने खुद ने ही अनुभव किया कि यार जो क्वेश्चन नहीं आते थे, है ना, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आते थे ना वो भी बनने लग जाते लास्ट राउंड में, है ना। वैसे क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि यार अपन पूरा करने के बाद मतलब अपन क्या थोड़ा वो हो जाता है कि यार मतलब ना सेकंड राउंड सिलेक्शन राउंड है, अपन थोड़ा फ्री हो जाते हैं कि हाँ मतलब आराम सिलेक्शन तो हो जाएगा मेरा। और लास्ट में जैसे बायो में पूरे क्वेश्चन कर लिए, केमिस्ट्री में भी अच्छा से क्वेश्चन बन जाते हैं, फिजिक्स में लास्ट में आया तो क्वेश्चन बन जाते हैं जो नहीं आ रहे वो भी, ठीक है, देखना भले अपना के हो जाएगा आराम से। तो ये है मेरी 3 राउंड वाली स्ट्रेटजी, इसको यार बिल्कुल करके देखना, मतलब हो जाएगा बिल्कुल, थोड़ा थोड़े दिन दिक्कत देगा, बाकी यही टाइम है भाई। देखो यार सब सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग मतलब टाल देते हैं कि सब देख लेंगे नीट के टाइम पर, भाई नहीं, ये आप मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हो भाई, क्यों दे रहे हो मॉक टेस्ट, यही ना कि कैसे उस दिन भाई नीट की एग्जाम केवल एक बार होती है पता है साल में, है ना, उस दिन के लिए नहीं सब कुछ छोड़ना है। ये मॉक टेस्ट इसलिए ले लो कि उस दिन कोई दिक्कत ना आए आपको, है ना, एक दिन मिलता है उस दिन में आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है, पूरे साल भर की मेहनत का सवाल होता है। तो भाई इसी से, यही स्टडी से आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, और आपका टाइम भी मैनेज होगा, तो बिल्कुल, है ना, तो बढ़िया टेस्ट। हाँ, और टेस्ट छोड़ना नहीं भाई, है ना, हर टेस्ट टाइम पे देना, तो आपका कोर्स भी पूरा नहीं हुआ हुआ ना, तो कर टेस्ट दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हर टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एक एक चीज़ भाई पढ़ तो सब लेते हैं भाई, यही सब इसी चीज़ से सब डरते हैं ना, मॉक टेस्ट इसी से सब डरते हैं, टेस्ट देने से, टेस्ट मार्क्स आने से, टेस्ट मार्क्स भाई
कम आए तो क्यों आए वो देखो ना यार, लास्ट में क्यों कम आए, टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, एक टॉपिक ही होगा एक टेस्ट एनालिसिस, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, इसके बाद आप कमेंट करना है थी आपको दी चाहिए टेस्ट एनालिसिस का वीडियो, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, कैसे एनालिसिस करना है टेस्ट देने के बाद। ठीक है, तो वही कि यार टेस्ट जरूर देना आपको, है ना, यही कि बहुत ज़्यादा एमपी होता टेस्ट देना। ठीक है, सब पढ़ाई सब कर लेते हैं लेकिन बस यहीं आके सब हार मान जाते हैं क्योंकि मार्क्स कम आते हैं, और यहीं मतलब क्लास सब पढ़ते हैं, सब समझ में आता है, सबको आता है भाई, सब सोचते हैं यार सब कुछ आता है अपने को, लेकिन वहाँ सब बाट लग जाती है। तो टेस्ट देना नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बार बार अटेम्प्ट करना, क्यों गलत आ रहा क्वेश्चन में, क्यों दिक्कत आ रही, यही देखा एनालिसिस में। ठीक है, उसका एक वीडियो बना दूंगा, मस्त टाइम भी 10 मिनट सुपर हो गया यार, बड़ा वीडियो हो जाए फालतू। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। ठीक है, ठीक है।